हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज संजीव एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 10 लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिनका आपको बिल्कुल भी एक रुपये देने की जरूरत नहीं है, और ये बिल्कुल फर्जी हैं, फेक हैं, और फिर भी आपको फिर से प्रताड़ित करना, परेशान करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे मुझे व्हाट्सअप हैं, बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, डीएम है, उसके भी आप पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अब उन सभी के साथ क्या करना है। सो गाइस, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिएगा, करेंगे कुछ और आपसे जरूरी बातें। तो गाइस, जरूर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करेगा, क्योंकि आपका भाई ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाता रहता है लोन ऐप से रिलेटेड। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ कर दो। यूट्यूब पे हमारा एक नया चैनल है, अगर आपने उस पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली जाओ अभी सब्सक्राइब करो। लाइफ स्टाइल से जुड़ी सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, मेंस हो या वुमेन हो, कोई भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और गाइस आपको बताते हैं क्या है पूरा लोन ऐप्स का माजरा और आपसे कुछ बातें करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिकवरी एजेंट वालों से परेशान हो गए हैं, बार बार फोन आ रहा है उनका, बार बार वो हमें बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, हमें व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके बोल रहे हैं कि ये फ़ोन कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, ये मैसेज कर दिया, ये बोल रहा है घर आने के लिए। तो भाई, मैं जब एक बार बोल दिया वीडियो बना के कि फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले बस आपको डराते हैं, हड़काते हैं, कभी आपके घर नहीं आएंगे, क्यों नहीं आप लोग बात समझते हो? देखो, कोई भी लोन एप्लीकेशन हो, फर्जी लोन एप्लीकेशन हो या कोई भी, उसको कॉल सेंटर है, वो जॉब कर रहा है, उसको उस चीज़ का पैसा मिल रहा है, आपको कॉल करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए उस आदमी को पैसा मिल रहा है, तो वो तो करेगा ही, वो तो करना कभी बंद नहीं करेगा, इतना आप याद रखो। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन वाला या लीगल लोन एप्लीकेशन वाला, अगर आप उसका पैसा नहीं दोगे तो उस चीज़ का उसको पैसा मिल रहा है, वही काम के लिए 8 घंटा बैठ के नौकरी कर रहा है आपको कॉल करके परेशान करने के लिए। तो ये मत सोचो कि फर्जी लोन एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं करोगे तो कॉल आना भी बंद हो जाएगा। भाई, कॉल आएगा, आएगा ही आएगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बार बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो कि इसका कॉल आ रहा है, 2 दिन नहीं आया, फिर कॉल आने लगा। तो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले का कॉल डेफिनेटली आएगा ही आएगा, डेली आएगा, पर डे भी आ सकता है, कभी कभी नहीं भी आ सकता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप उनका पैसा लियो तो वो आपको कॉल करेंगे और जितना परेशान करने का हथकंडा है सब अपनाएंगे, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। वो फर्जी है, वो बस खाली अपने पैसे के लिए सारा हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन आपको नहीं देना है तो नहीं देना है, आपको कॉल को झेलना है। अगर इतना आपको प्रॉब्लम है तो सिम ही तोड़ के फेंक दो। अगर आपको कोई लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रहा है, एनबीएफसी का नाम नहीं बता रहा है, सिविल में शो नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, सिविल में नहीं शो रहा है, एक्सपीरियंस में नहीं शो रहा है, तो गाइज अपना सिम तोड़ के फेंक दो अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो। लेकिन आप ये सोचो कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन भी ले लिए, पैसा भी नहीं देंगे और अपना सिम भी तोड़ के नहीं फेंकेंगे और हमें कॉल भी नहीं आएगा, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सच्चा मैं बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। जिसको जिसके वीडियो पे जाके आपको बताया जाता हो कि हाँ भाई, फर्जी लोन का पेमेंट मत दो, ये कर लो, कॉल भी नहीं आएगा, तो भाई उसका वीडियो देख लो, क्योंकि मेरे वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करते हो, आपको कॉल आना, आपको प्रताड़ित करना कोई बंद नहीं करेगा भाई, बंद ही नहीं कर सकता है वो। जब इतना बड़ा बड़ा पुलिस चौकी चला, पुलिस चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई, पता नहीं सुब्रमण्यम स्वामी कौन कौन आ गया इसमें, कूद गया आके केस में, तब वो लोग कॉल करना बंद नहीं किए, तो अब क्या करेंगे? तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फर्जी लोन एप्लीकेशन का पेमेंट करने का जरूरत नहीं है एक भी रुपया, लेकिन गाइस देखो, वो कॉल करेंगे क्योंकि उनको उस कॉल का पैसा मिल रहा है, उनको आपको फोन करने के लिए पैसा मिल रहा है, उनको उसी चीज के लिए नौकरी पर रखा गया है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाने का पैसा मिल रहा है, ठीक है, लोन ऐप से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है। अब मैं इसी पे कोई और टॉपिक चालू कर दूँ इसी चैनल पे, ठीक है, कुछ ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करने लगूँ, तो यार मुझे आप लोग थोड़ी ना देखोगे, जो मेरे लोन वाले ऑडियंस है वो थोड़ी ना देखेंगे, ठीक है। तो उसको वही चीज़ का पैसा मिल रहा है आप लोग से कॉल करके आप लोग को डराने का, तो आपसे वो प्यार से तो बात करेगा नहीं, क्योंकि उसको तो डराने का पैसा मिल रहा है, उसको तो पैसा निकलवाना है कैसे भी, प्यार से आप लोग दोगे नहीं, क्योंकि फर्जी हैं साले, प्यार से बोले, अच्छे से बोले, इनका देने का जरूरत क्या, इतना ज़्यादा पेनाल्टी और इंटरेस्ट लगाए हैं। तो यही चीज़ है गाइस, कभी भी कॉल आना बंद नहीं होगा, आपको प्रताड़ित करना बंद नहीं होगा, आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली, और इन लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब कि कोई भी कॉल आता ऐसे है बेकार है हट, ऐसे लाइटली ले, मतलब कि एकदम लाइटली ले लो, मतलब कि कुछ है ही नहीं, कॉल आ रहा है बस, समझ जाओगे स्कैम है, फर्जी है साला, मतलब कि ये मैसेज कंपनी वाले फोन कर रहे हैं रिचार्ज वचार्ज कराने के लिए, ऐसे नॉर्मली इन लोग का कॉल लो कि अरे यार ये सब फिर से लोन देने के लिए कॉल करने लगे, ऐसे नहीं आता हम लोग को स्कैम कॉल, बहुत ज़्यादा स्पैम।
तो वैसा करोगा, या तो बहुत आपको प्रॉब्लम है ना तो ट्रू कॉलर में जाओ, बस खाली आपके फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं उनको अलाउ कर दो, बस उन्हीं का कॉल आएगा, बाकी किसी का कॉल ही नहीं आएगा। अब भाई इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले आपको फ़ोन करेंगे ही करेंगे। और जो भी आपको नोटिस आ रहा है व्हाट्सएप पे, कोई लीगल नोटिस नहीं आता है, किसी भी तरह का स्टाम्प पेपर पे छाप के कुछ ऐसा ये लोग नोटिस भेज रहे हैं, बिल्कुल फर्जी है, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सब बिल्कुल फर्जी है। व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आए सब समझ जाओ बिल्कुल फर्जी है। अगर आपको मेल पे या आपको आपके घर पे अगर वकील का सही में अगर कोई लीगल नोटिस आता है तो वो कैसे रहता है, उस पर वकील का नाम, एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर, मेल सब कुछ लिखा रहता है। अगर ऐसा कोई नहीं है कुछ भी और आपके मेल पे और आपके घर पे छोड़ के कहीं भी कोई लीगल नोटिस आ रहा है, समझ जाओ भाई बिल्कुल फर्जी है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको डराने के लिए है। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों का कुछ डाउट तो क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ लोन एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, देख लो गाइस यहाँ पे लोन एप्लीकेशन 10 है। पहला है धनाधन लोन ऐप्स। ठीक है, धनाधन लोन ऐप्स, वाह भाई। तो गाइस ये धनाधन का एकदम पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, धनाधन लोन ऐप्स भी कोई मतलब इसका कुछ हमको पता नहीं चला, हम बहुत खोजे मतलब जांचे वगैरह हमको कुछ पता नहीं चला। उसके बाद है ट्रिपल ए कैश। गाइस ट्रिपल ए कैश बिल्कुल फर्जी है, फेक है, फिर से प्रताड़ित करना चालू कर दिए हैं सब, देने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट फ्री लोन ऐप्स, गाइस क्रेडिट फ्री का भी वैसा ही कुछ है। फॉर्चून बैग, भाई फॉर्चून बैग का भी आप लोगों को पता ही है बेकार ही है, इसका भी देने की जरूरत नहीं है। बबल लोन नहीं देने की जरूरत है, ये तो यार कितना हाईलाइट था, बाप रे ये तो इतना ज़्यादा प्रताड़ित करता था कि पूछो मत, मत देना इसको। ठीक है, रूपी फैक्ट्री नहीं, कैश भी नहीं, माई बैंक लोन नहीं, ओके कैश नहीं, मास्टर मेलन लोन ऐप्स नहीं। तो ये कुछ 10 लोन ऐप्स ऐसे थे जिनके बहुत सारे कमेंट आते हैं, इसीलिए मैं, वैसे तो बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन है जिनका आपको पेमेंट नहीं भी करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो मैं 10 लोन एप्लीकेशन बताया इसका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि ये सब आपको बार बार परेशान करें, बार बार परेशान करें, फर्जी हैं फिर भी आपको परेशान करें। तो भाई फिर से नाम सुन लो, धनाधन लोन एप्लीकेशन, लोन ऐप्स, ट्रिपल ए कैश, क्रेडिट फ्री लोन ऐप, फॉर्चून बैग, बबल लोन, रूपी फैक्ट्री, कैश भी, माई बैंक लोन, ओके कैश, मास्टर मेलन लोन ऐप्स। तो गाइस ये सभी लोन एप्लीकेशन बिल्कुल फर्जी हैं, और अगर ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर ना दे, सिविल में सोना हो, एनबीएफसी का नाम ना बताएं, एक्सपीरियंस में सोना हो, तो गाइस इनका एक रुपया देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा फर्जी हैं, फेक हैं, और फिर भी आपको अगर ये कमेंट कराए मैं इस 10 ही लोन एप्लीकेशन का नाम क्यों लिया। अब आप लोग बोलेंगे सर ये भी फर्जी है, इसका नाम क्यों नहीं लिया, उसका नाम क्यों नहीं लिया, जैसे लोन ग्राम, लोन कार्ड, मनी बॉक्स, मंकी बॉक्स, इनका नाम क्यों नहीं लिए। तो भाई मुझे ये 10 के बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कि ये 10 लोन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा परेशान करें, फर्जी हो के भी तो इनका क्या करें, तो इसलिए मैं ये सिर्फ 10 लोन एप्लीकेशन को लिया हूं, वैसे फर्जी बहुत सारे हैं, तो ये मत सोचना कि बस यही 10 फर्जी हैं। ठीक है, अब गाइस मैं आपको बता दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर ये फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। तो मैं फिर से वही बात बोलूँगा जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि इनका काम है ये आपको कॉल करेंगे, उसका इनको पैसा मिल रहा है, उसका इनको सैलरी मिल रहा है, 8 घंटा इसको कंप्यूटर पर बैठा दिया जाता है, लिस्ट दे दिया जाता है इन लोगों को, और बोला जाता है जितनी माँ बहन करके पैसा इनसे निकलवा सकते हो, जितनी माँ बहन कर सकते हो, किसी को भी गरिया सकते हो, गरियाओ और इनसे पैसा निकालो। इन लोन रिकवरी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मरो जियो, आपके घर में खाने को है नहीं है, आपके घर का स्थिति कैसा है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, बिकॉज इनको उसका इंसेंटिव मिलता है। अगर ये आप 10 इनको रोज देखो गाइस 100 लोन का लिस्ट मिलता है जिसमें से कम 10-20 क्लियर कराने होते हैं, जैसा कि मुझे पता है, जैसा ये क्लियर कराते जाते हैं गाइस इनको उसका इंसेंटिव मिलता जाता है। एक लोन क्लियर करना है, दो लोन क्लियर करना है, 100 लोन का लिस्ट मिला एक दिन में, 10 तो ये क्लियर करा दिए, तो इनको कुछ 500 या 1000 रुपये ऐसे इंसेंटिव मिलता है सैलरी के अलावा। तो ये सोचते हैं कि मेरे 10,000 की सैलरी तो फिक्स है, मैं इंसेंटिव कमा कमा के 20-30,000 महीना कमा लूंगा और अपने घर को बहुत अच्छे से चलाऊंगा। लेकिन इन टुच्चों को ये नहीं पता है कि ये जो कर रहे हैं, जिस तरह से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस तरह से आपके आत्मा को रुला रहे हैं, ये 10,000 आज तो कमा लेंगे, 20,000 आज तो कमा लेंगे। कोई रिकवरी एजेंट अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो गाइज याद रखना, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है, और इस जन्म का फल कोई, कौन चूतिया बोला कि अगले जन्म में मिलता है, इस जन्म का फल जो तुम करोगे ना बेटा इसी जन्म में मिलेगा। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कुछ भी ऐसा गलत 1 रुपये का मत करना किसी के साथ, क्योंकि अगर तुम 1 रुपये का गलत करोगे ना तुम्हारा 1,000 जाएगा, और तुम्हारा पैसा तो बाद में जाएगा, पहले तुम्हारे घर में इतना प्रॉब्लम आ जाएगा ना कि तुम वो देख देख के टेंशन में ही निकल लोगे, मर जाओगे। ठीक है, तो किसी का भी 1 रुपया भी होता है ना मेहनत का होता है, उससे चोरी चुपके मत मांगो। ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले आज कर रहे हैं 10-20 हज़ार रुपये के लिए,
इनकी जिंदगी, ये कितनी उम्र के होंगे यार, 25 साल के होंगे, बहुत होंगे 30 साल के होंगे, इनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर कोई लोन एप्लीकेशन वाला ये वीडियो देख रहा है तो तुम लोग गाइस इतना लोगों को प्रताड़ित क्यों ना, तुम्हारी जिंदगी अगर सड़ सड़ के नहीं बीती तो मैं गाइस तुम लोग को बद्दुआ देता हूँ। जितने भी रिकवरी एजेंट हैं, जितने भी लोग हमारे जो देशवासियों को परेशान किए, इतना प्रताड़ित किए, इतने लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो गए, मैं तुम लोग को बोलता हूँ गाइस देखो तुम लोगों की जिंदगी बहुत नरक होने वाली है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी लोन एप्लीकेशन गई है भाग। और तुम जो रिकवरी एजेंट हो ना, तुम लोग जो जो किए हो लोगों के साथ, तुम्हारा देखना उससे बुरा हाल होगा। तुम लोग जो जो किए हो, हमारे जो भी भाई मजबूरी में लोन लिए थे उनके साथ तुम लोग जो जो किए हो, कॉल पे धमकी देना, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करना, हाँ इसको गाली देना, इसके कॉन्टैक्ट को कॉल करके गाली देना, ये जो तुम लोग भी लोन रिकवरी एजेंट वालों, तुम लोग से बोल रहा हूँ, जो ये तुम लोग किए हो ना, तुम लोग की जिंदगी बहुत बदतर होने वाली है, देखना तुम लोग। तुम लोग याद रखोगे कि कोई बोला था, क्योंकि गाइज अगर आप किसी के साथ गलत करते हो ना, आपको इसी जन्म में उसका पक्का रिजल्ट मिलता ही मिलता है। सो गाइज प्लीज सब लोग मिल के रहिए, हंसिए खेलिए, लोन एप्लीकेशन वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ही फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हैं। किसी के साथ कभी कुछ गलत मत करिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो डेफिनेटली गाइज आपके साथ भी गलत होता है, ठीक है, तो गलत मत करिए, सबके साथ अच्छे से रहिए। लोन रिकवरी एजेंट वाले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरा, तो यार ऐसा काम करके क्या फायदा जहां आप लोगों की बद्दुआ ले रहे हो, कुछ अच्छा काम खोज लो यार, 10-12 हज़ार के लिए आप ओला चला लो, रैपिडो कर लो, स्विगी जोमेटो कुछ भी कर लो यार, कम से कम चैन की रोटी तो खाओगे, कम से कम आपके ऊपर ये तो नहीं रहेगा कि हम आज उसको वो बोलेंगे, आज इसको ये गाली देंगे, आज उसको वो प्रताड़ित करेंगे, ये प्रताड़ित करेंगे। कहीं आपके बोलने से कोई इंसान कुछ कर लिया तो वो पाप आप जिंदगी भर लेके ढोओगे, ठीक है। तो प्लीज जो भी लोन रिकवरी एजेंट वाले हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा यार, ऐसे मतलब टुच्चो लोन एप्लीकेशन का साथ छोड़ दो और कुछ अच्छा काम कर लो। तो यही था गाइस आज के इस वीडियो में, आई होप गाइस आप लोग हमारे वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक ले लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।